केसीआर मीटिंग तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे। अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं, अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं। बुलाता तो कोई अगर मौका होगा गए, क्या होगा, कितने लोग एकजुट होंगे, तो ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन हम लोगों के मन में था कि इनका यहाँ पर हम लोग राजकीय समारोह करें, मूर्ति स्थापित करें, तो हमने ही ये जगह चुना। हमने सोचा कि यहीं पर सबसे अच्छा, देखिए जिस तरफ से भी लोग आएगा, अभी तो परमानेंट जगह न है जी, सब देखेगा, तो एक एक को नई पीढ़ी से लेकर के पुराने सब लोगों को यहाँ नजर आवेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जगह हम चुन करके सोचे, सोच रहे थे कि कहाँ करें, फिर हमको लगा कि दूर कहीं करेंगे वो ठीक नहीं, एकमात्र सड़क ये शहर के अंदर यही एक जगह था, तो ही हमने कहा कि नहीं हम यही करवाएंगे। तो इसी पर हो गया स्थापित, जब बन के तैयार हो गया था तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इसीलिए आज के दिन कर दिए। आपने ऑपोजिशन को लेकर बहुत लोगों से भेंट की, केसीआर मीटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, आप नेताओं को बुलाया गया केसीआर मीटिंग? हमको नहीं पता है, हम तो दूसरे काम में लगे हुए। कोई अपनी पार्टी की मीटिंग करता है तो जिन लोगों को भी बुलाता है, तो कोई अगर इनको मौका होगा गए होंगे, वो सब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। पार्टी की मीटिंग है ना, पार्टी की रैली है, तो पार्टी की रैली है, तो पार्टी की रैली में कोई लोगों को आमंत्रित किए गए, ठीक ही है, तो अच्छी बात अपना करें। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे। अभी हमको अपना यहाँ का काम करने दीजिए, और उसका तो सब लोगों से हम बात कर ही चुके हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा क्या होगा, कितने लोग एकजुट होंगे, तो उसके आगे हम लोग सब लग जाएंगे। और हम लोग तो बिहार में सब लग ही रहे हैं, अगल बगल अनेक लोगों से बात हो ही गई है, तो आगे देखा जाएगा। अभी तो आप जानते हैं हम लोगों का ये कार्यक्रम है, फिर हम लोगों का आप जानते ही हैं कि यहाँ पर यह विधानसभा का विधान परिषद का सत्र है, वो हो जाएगा, उसका हम लोग फ्री हो जाएंगे आगे जो भी। बगल में देश वाले की भी चर्चा है कि आप देश में भी दौरा करेंगे, अब चर्चा है तक चर्चा करते नहीं है, पहले करेंगे, जहाँ कहिएगा वहीं चले जाएंगे। बगल में कोई हमको कहेगा कि यहाँ भी आओ तो जाएंगे, उसमें क्या बगल में अश्विन। हम देखिए एक बात हम बार बार कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि मेरा अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि हम कोई चाहते हैं उसके चक्रिय नहीं चाहते, हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो और आगे बढ़े, वो देश के हित में, तो इसीलिए हम वही काम करते हैं, अपने लिए नहीं।